नमस्कार छात्रों, परिसर अध्ययन भाग एक की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नियम सबके लिए इस पाठ के अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दों का अध्ययन करेंगे। बताओ तो, समाज के लिए बनाए गए नियमों में होने वाले परिवर्तन करके देखो, इसे सदैव ध्यान में रखो। इसके बाद कुछ दिए गए चित्रों पर चर्चा होगी। पहला, बताओ तो, परिवहन के नियम कौन से हैं? इसके बारे में आपको चर्चा करनी है और अपने कॉपी में इसका जवाब लिखना है। जैसे रेड सिग्नल अगर लग जाए तो हमें हमारा जो वाहन होता है वह रोकना पड़ता है। जब आप रोड क्रॉस करते हो तब जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए। ऐसे जो परिवहन के जो नियम हैं वह आपको लिखने हैं। दूसरा, तुम्हारे अनुसार इन नियमों का पालन करने से क्या होगा? आपको खुद विचार करना है। और यह परिवहन के यानी ट्रैफिक के जो भी रूल्स हैं वह अगर हमने उनका सही ढंग से पालन किया सभी लोगों ने तो क्या होगा, इस पर विचार करके आपको खुद जवाब लिखना है। तीसरा, तुम्हारे अनुसार इनमें से किस नियम में परिवर्तन होना चाहिए? परिवहन के ऐसे कौन से नियम आपको लगते हैं कि वह बदलने चाहिए, उनमें परिवर्तन होना चाहिए ऐसा आपको लगता है, वह भी लिखना है। चौथा, तुम्हारे अनुसार परिवहन अनुशासन के लिए और कौन से नियम होने चाहिए? यानी कि जो भी वाहन चलते हैं या जो हमें रास्तों पर से चलना पड़ता है उन सभी परिवहन के लिए कौन से और नियम उनमें होने चाहिए ऐसा आपको अगर लगता है तो वह सुझाव भी आपने आपके नोटबुक में लिखने हैं। अब परिवहन सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं और हम उनका पालन भी करते हैं। यह आपको भी पता है कि रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल जो भी इस तरह लगते हैं, रोड कैसे क्रॉस करना चाहिए, ये सभी नियम आपको भी पता होते हैं। और इसी प्रकार सामाजिक जीवन में भी प्रत्येक व्यक्ति को जो काम करना है उसके लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे आप छात्र छात्राएं हो, जब आप पाठशाला आते हो तो आपको पढ़ाई करनी है, किस तरह कौन से समय में आना है, यह आपके लिए भी नियम होते हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य क्या है इसके लिए भी नियम बनाने पड़ते हैं। नियमों का पालन करने से हमारे व्यवहार में अनुशासन का निर्माण होता है, हम अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं। जैसे आप पाठशाला में आते हो तो सभी के लिए एक समय जो हो दिया जाता है कि यही समय आपको पाठशाला में आना है, कौन सी समय आपके पाठशाला को छुट्टी होगी, कौन से समय कौन से टीचर आएंगे, इस तरह अगर नियम अगर बनाए हो तो उसमें एक अनुशासन आता है, डिसिप्लिन आती है और अच्छे से हम हमारा कार्य कर सकते हैं। अब नियम सबके लिए होते हैं, वे सभी के लिए समान रूप से भी लागू होते हैं। नियमों के आगे कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। नियमों का पालन न करने पर दंड मिलता है। मान लो अगर रेड सिग्नल लगाए और किसी ने अगर गाड़ी फिर भी अपनी लेकर चले गए तो उन्हें पुलिस के द्वारा दंड दिया जाता है। इस तरह नियमों का अगर उल्लंघन करने पर दंड देते हैं, समय कोई भी उस समय भेदभाव नहीं किया जाता। इस प्रकार समानता ही नियमों का आधार है। यह आपसे पूछा भी जाएगा कि समानता ही नियमों का आधार है, रिक्त स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अगला मुद्दा है समाज के लिए बनाए गए नियमों में होने वाले परिवर्तन। हमारा सामाजिक जीवन जो है नियमों के आधार पर ही चलता है। ये नियम हम ही बनाते हैं, ये सबके हित के लिए होते हैं, इसलिए हम इनका पालन भी करते हैं। जैसे परिवहन के लिए जो हमने अभी चर्चा की कि रेड सिग्नल अगर लगता है तो सबको रुक जाना चाहिए, यानी कि जिसके भी वाहन है उन्होंने अपना वाहन रोक देना चाहिए। अगर ये नियम ही ना होते तो क्या होता, सभी अपने अपने वाहन अपने हिसाब से चलाते और कई एक्सीडेंट हमें होते दिखाई देते। यानी जो भी नियम होते वह सबके हित के लिए होते हैं, इसलिए हमें उनका पालन करना चाहिए। समाज के लिए बनाए गए इन नियमों में उचित परिवर्तन करने पड़ते हैं। समाज नियमन के लिए बनाए जाने वाले नियमों और प्रकृति के नियमों में अंतर होता है।
प्रकृति का व्यवहार प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। प्रकृति के नियम हम बदल नहीं सकते, जैसे सूर्य का उगना तथा अस्त होना अथवा ऋतु चक्र का परिवर्तन कभी भी नहीं रुकता। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम बदलता नहीं। समुद्र का ज्वार भाटा, चंद्रमा की बदलने वाली कलाएं, ये सभी घटनाएं प्रकृति के नियमों में अनुसार उसके अनुसार ही चलती रहती हैं। प्रकृति के नियम अधिक स्थिर तथा निश्चित होते हैं। ये कालबाह्य नहीं होते, परंतु मनुष्य के लिए बनाए गए नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करने पड़ते हैं। जब हमारा देश अंग्रेजी शासन के अधीन था, उस समय के नियम अलग थे। हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद परिस्थिति बदली और उसके अनुसार सामाजिक जो जीवन, उसके नियम भी बदले। उदाहरण के तौर पर, जब स्वतंत्रता मिली, उस समय 21 वर्ष के नागरिक को मतदान का अधिकार था, और सन 1988 के बाद मतदान का अधिकार व्यक्ति को 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर दिया गया, यानी नियमों में समय के अनुसार परिवर्तन करना पड़ा। अगला मुद्दा है करके देखो। अपने अभिभावकों और दादा दादी से यह पूछो कि उनके समय में विद्यालय में कौन से नियम थे। अपने कॉपी में अपने अपने अभिभावकों तथा दादा दादी के लिए 3 स्तंभ तैयार करो। इन स्तंभों में विद्यालय में संबंधित के विषय में जो भी जानकारी भरकर उनकी तुलना करो। कौन से नियम बदल गए हैं और कौन से नहीं बदले, इस पर आपको चर्चा करनी है। अगला मुद्दा है इसे सदैव ध्यान में रखो। लड़का तथा लड़की अथवा स्त्री और पुरुष का जो स्तर होता है वो समान होता है। उन्हें विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। अब आपको यहाँ कुछ चित्र दिखाई देते हैं। इसमें अध्यापक कह रहे हैं कि सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन इस लड़की को सवाल आता है, उसके मन में विचार आते हैं। वो क्या कहती है? क्या लड़कियों को उतने पोषक आहार की आवश्यकता नहीं होती जितनी लड़कों को होती है? मेरे घर में कहा जाता है कि केवल भाई को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। अब बताओ तो तुम लड़की के प्रश्न का क्या उत्तर दोगे? यानी लड़की के मन में सवाल है कि क्या सिर्फ लड़कों को ही पोषण आहार की जरूरत होती है? तो यह तो गलत है। यानी कि लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को पोषक आहार की जरूरत होती है। दूसरा, तुम्हारे अनुसार लड़का और लड़की का भेदभाव और किन-किन बातों में किया जाता है? इस सवाल पर आपको खुद विचार करना है कि कौन-कौन सी बातों में लड़का और लड़की ऐसा भेदभाव किया जाता है, वह आपको खुद विचार करके लिखना है। जैसे लड़का और लड़की के बीच भेदभाव करना अनुचित है, गलत है। लड़कियों को आहार कम देना अथवा उन्हें विद्यालय में न भेजना उन पर अन्याय करना है। ऐसा अन्याय समाज के अन्य घटकों पर भी होता दिखाई देता है। अब इन चित्रों में तुम्हें कौन सा अन्याय होता हुआ लग रहा है, यह आपको निरीक्षण करना है। जैसे इस चित्र में एक व्यक्ति कह रहा है कि तुम्हारे सभी पैसे वापस कर दिए तो भी कर्ज कैसे रह गया? जो एक सेठ जी यहाँ पर है, उन्होंने इस गरीब आदमी को कर्ज दिया था, लेकिन वह गरीब आदमी कह रहा है कि मैंने तो सभी पैसे लौटा दिए, फिर भी मेरे ऊपर कर्ज कैसे हो गया? इस पर आपको विचार करना है कि इस आदमी पर किस प्रकार का अन्याय हो रहा है। दूसरे चित्र में जो काम करने वाली स्त्री है, वह कहती है, उसके मन में विचार आ रहा है कि मैं एक भी छुट्टी न लेकर महीने भर काम करती हूँ तो भी इतना कम वेतन क्यों देती है? आपको इस चित्र को देखकर विचार करना है कि इस स्त्री पर कौन सा अन्याय यहाँ पर हो रहा है। यानी किसी भी प्रकार का अन्याय न हो, इसलिए ही नियम बनाने पड़ते हैं और वह सभी के हित के लिए होते हैं। होमवर्क, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। हमारा सामाजिक जीवन रिक्त स्थान के आधार पर चलता है। एक वाक्य में उत्तर लिखो। नियम क्यों बनाने पड़ते हैं? थैंक यू।